सबसे पहले मैं एक पैन को हीट कर लूंगी और उसमें 500 ml दूध जो है अच्छे से गर्म कर लूंगी। देखिए दूध मेरा अच्छा गर्म हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, इससे 2 स्कूप जो है वो अलग निकाल के रखूंगी और जो बाकी बचा हुआ दूध है उसमें मैं स्वाद के अनुसार अपनी चीनी ऐड कर लूंगी। देखिए जो ये दूध मैंने निकाला है इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच कोको पाउडर और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। कोको पाउडर के अगर हल्के फुल्के लम्स रह भी जाएंगे तो जब हम इसे दूध में ऐड करेंगे तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अब देखिए इसका बिल्कुल लम्स फ्री जो है एक मिक्सचर बनके तैयार हो गया। अब देखिए जो दूध है वो हल्का हल्का इस पे बॉईल आने वाला है, तो इसी स्टेज पे जो ये मिक्स मैंने बना के रखा है ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूंगी और साथ में इसे मैं हिला दूंगी। फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे जब तक इसमें हल्का सा एक बॉईल ना आ जाए। देखिए इसमें एक बॉईल आने ही वाला है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ डार्क चॉकलेट रखी है जिसे मैंने ऐसे इस तरह से बारीक देखिए काट लिया है, तो ये ऐड कर दूंगी। ये क्या है, जो मेरा कोको मिक्सचर है उसको बहुत ही अच्छा एक टेस्ट फ्लेवर और चॉकलेटी फ्लेवर तो डेफिनेटली देगा और एक कलर भी इससे रिच हो जाएगा। तो अब लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही ना मिल जाए। देखिए इसे अच्छा सा एक बॉईल आ गया है, तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी क्योंकि इससे ज्यादा गाढ़ा मैं इसे नहीं करूंगी। अब अगर आप इसे इंस्टेंटली सर्व करना चाहते हैं तो आप ग्लास जिसमें भी आप सर्व करने वाले हैं उसे 1/3 आइस से भरिए, क्रश्ड आइस से, और ऊपर से अपना ये जो कोको है उसे आप डाल दीजिए। तो इसे इंस्टेंट सर्व करने का तरीका है जिसमें आपको काफी ज्यादा आइस डालनी पड़ेगी, बट अगर इंस्टेंटली आप नहीं करना चाहते, आइस अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह इसे अब ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम इसमें आइस वगैरह डाल के इसे फाइनल सर्व करेंगे। देखिए इस स्टेज पे जो कोल्ड कोको है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, ये देखिए। बट अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो इसमें हल्के से देखिए लम्स हैं। तो अब आपको क्या करना है लम्स को दूर करने के लिए, एक हैंड ब्लेंडर लेके इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका स्मूथ और इवन टेक्सचर हो जाए। अगर आप चाहें तो हैंड व्हिस्क का इस्तेमाल भी इस समय कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर अब बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए सर्विंग के लिए मैंने सिंपल मग ले लिए, आप ग्लासेस कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरह से आइस इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप अच्छे से डालिएगा, मैं इतने ज्यादा नहीं पसंद करती हूँ तो मैं कम डालूंगी। आपने लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो बर्फ से अच्छे से ढक देना है। तो अब हम पोर करेंगे कोल्ड कोको। पोर करने के बाद हल्का सा इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ग्रेटेड चॉकलेट रखी है, ये सिर्फ इसको अच्छा लुक देने के लिए है, तो ये हम ऊपर से पोर कर देंगे। बहुत ही मजेदार कोल्ड कोको इतनी जल्दी घर में बनके तैयार है और आप विश्वास मानिएगा कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में पीने के लिए मिलता है।
तो आई होप आपको ये मजेदार कोल्ड कोको की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।